नमस्कार दोस्तों, मैं जनक सिंह जाला, सीनियर रिपोर्टर, राजकोट, गुजरात। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जर्नी मास्टर पर। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ गुजरात के डभोई शहर में, एक ऐसा शहर जो खुद इतिहास में अपनी पहचान बनाए रखा हुआ है। दोस्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे दिए गए इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मैं और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने आ सकूं। अभी आप जो देख रहे हैं वो डभोई का गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है, जहां पर मैं रुका हूं। यह रेस्ट हाउस काफी सुविधा संपन्न है। तो अब करते हैं हमारी जर्नी की शुरुआत। दोस्तों, हम जा रहे हैं हीरा भागोल। डभोई के मुख्य चार द्वारों में से एक है हीरा भागोल। पूर्व दिशा में स्थित इस द्वार को हीरा गेट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो डभोई की ऐतिहासिक विरासतों में से एक हीरा गेट है। इस प्रवेश द्वार को आरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। यह द्वार वास्तुशास्त्रों में वर्णित परंपराओं पर आधारित है। इस द्वार का नाम हीरा गेट क्यों पड़ा, आइए मैं आपको बताता हूं। दरअसल हीरा गेट का नाम इसके वास्तुकार हीराधर के नाम पर रखा गया है। इस वास्तुकार से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। हीरा टेन नाम की एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की ने एक दिन हीरा से कहा, हीरा, तुम राज्य के लिए सब कुछ बना सकते हो, तो मेरे लिए कुछ नहीं बनाओगे? बस फिर क्या था, इस दिल फेंक आशिक ने अपनी प्रेमिका को खुश करने का मन बना लिया। उसने राजा के कुछ पत्थर चुरा लिए और उसी पत्थरों से एक झील बनाई। राजा को इस बात का पता चला, उसने हीरा को दंडित किया। ऐसा भी कहा जाता है कि हीरा को उसी किले की दीवार में दफना दिया गया। करीबन 900 मीटर लंबे और 700 मीटर चौड़े इस हीरा गेट और उसकी शिल्पाकृतियों को देखकर आज भी कई लोग अचंभित हो जाते हैं। नक्शीदार स्तंभ और देवी देवताओं की प्रतिकृतियां इस गेट की विशेषताएं हैं। वैसे पूर्व में हीरा भागोल, दक्षिण में नांदोदी भागोल, पश्चिम में वडोदरी भागोल और उत्तर में महुरी भागोल, डभोई शहर में यह चारों प्रवेश द्वार प्रचलित है।